नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरभि सच्ची सहेली से सच्ची बातें लेकर फिर आपके साथ। इस बार तो दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हमेशा से सुनती आई हूँ कि दिवाली में हम लोग एक दूसरे को सुख और समृद्धि की दुआएं देते हैं, उनको बधाइयां देते हैं कि भगवान आपको सुखी और समृद्ध बनाए। लेकिन कभी बहुत सारी बार इनका मतलब नहीं समझ पाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आने लगा है, तो मुझे लगा आपको भी बता दूं। सुखी तो आप सभी जानते हैं, सुखी होने का मतलब है, जैसे हम लोग पढ़ते आए और सुनते आए, पहला सुख निरोगी काया, यानी कि हमारा हेल्थ हमारा पहला सुख होता है। और उसकी कोशिश तो आप कर ही रहे हैं ना, दिवाली पर हम लोग इस बार पटाखे नहीं चला रहे क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो एक कोशिश आपकी तरफ से ऑलरेडी हो रही है सुखी होने की। अब समृद्ध, समृद्ध क्या होता है, क्योंकि इसका मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, इवन कुछ समय पहले तक मैं भी नहीं जानती थी। हम क्या समझते हैं, अमीर और गरीब। गरीब कौन होता है, गरीब वो जिसके पास अपनी जिंदगी में जीने के लिए बेसिक एमिनिटीज भी नहीं होती, उसको हम गरीब कहते हैं। और अमीर जिसके पास बेसिक एमिनिटीज होती हैं और उससे थोड़ा ज्यादा भी होता है, वो अमीर है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक चीज होती है, अमीरी और गरीबी। अमीरी और गरीबी एहसास है। मान लीजिए मैं किसी गरीब के पास जाऊं और उसे पूछूं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे पता है कि जब मैं उससे बातें करूंगी तो आप खुद ही जानते हैं उसकी गरीबी कितनी होगी, हजारों की, बहुत हुई तो लाखों की। उसकी गरीबी हजारों और लाखों तक होती है। लेकिन एक अमीर के पास अगर मैं जाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि आपकी जिंदगी में तो सब कुछ है, आपको कुछ चाहिए, अगर मैं उसकी लिस्ट बनाने लगूं तो लाखों से तो शुरू होती है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके जैसा घर नहीं है, मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास नया मॉडल नहीं है। अमीर की गरीबी गरीब की गरीबी से बहुत ज्यादा होती है। ये है अमीरी और गरीबी का एहसास, और हमें सही मायने में यही अमीर और गरीब बनाता है। और समृद्ध इनके बीच में होता है, जब मेरे पास बेसिक एमिनिटीज है और मेरे पास कुछ नहीं होने का एहसास भी नहीं है, मुझे एहसास है कि मेरे पास जो है वो मेरे लिए बहुत है। तो ये मानसिक शांति कि मेरे पास जो है वो बहुत है और इसमें से तो मैं बहुत और लोगों के लिए कुछ कर भी सकता हूँ, ये है समृद्धि। तो इस बार इस दिवाली आप सबको मेरी तरफ से सुख और समृद्धि की शुभकामनाएं। आप सबके अंदर सुख भी आए, यानी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, और आपके अंदर समृद्धि भी आए, कि आपके अंदर ये भाव निकल जाए कि मुझे, मैं गरीब हूं, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, बल्कि आपको ये समझ में आए कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो ऐसी हो इस बार आप सबकी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।